Hi guys, welcome to SBD Vlogs. This is my fourth vlog. ये मेरा चौथा vlog है. अब आपको मालूम है कल भी मैंने एक vlog upload किया था. आज से मैं अभी आपको एक प्रोमिस करता हूँ, try करूँगा कि हर रोज़ vlog upload करो. हर रोज़ possible तो नहीं है, लेकिन try तो कर सकते हैं, क्यों ठीक है ना. तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:37, 8:40 पकड़ सकते हैं. अभी बारिश भी आने वाला लगता है. देखिए वेदर तो अच्छा नहीं दिखा रहा है, बारिश आने वाला लगता है. और यहाँ पे शायद कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम आपको. और देखिए मछलियाँ पकड़ने के लिए सब अलग जगह पे आए. तो फिर कंटिन्यू करते हैं आज के दिन को. जैसे कि मैंने आपको कल का व्लॉग में बताया था कि मैं यूट्यूब क्यों करता हूँ, ठीक है ना. तो फिर मैं बताता हूँ मैं यूट्यूब क्यों करता हूँ. यूट्यूब में आया हूँ अपना लाइफ को पोर्ट्रेट करने के लिए. पहले मैंने सोचा था कि व्लॉग करूँ ना करूँ, बहुत सोचा. लेकिन उसके बाद बाद में मैंने डिसीजन ले ली, करना तो करना है और कुछ वगैरह वगैरह के बारे में नहीं सोचना है. कर लेना वही डिसीजन है, तो कर लिया मैंने. तो ये मेरा चौथा व्लॉग है आप लोगों का ब्लेसिंग की वजह से, आशीर्वाद की वजह से. तो कंटिन्यू करते हैं आज के दिन को. आज मैं बहुत नया नया चीज़ दिखाऊंगा पल्लापुर के बारे में. हाँ, मैंने जगह रिवील कर दिया आपको, सॉरी. हाँ, तो मेरा जगह का नाम है पल्लापुर, ठीक है. तो फिर मैं आज अपना जो पल्लापुर का जगह है वो थोड़ा कुछ डेस्टिनेशन के बारे में बताऊँगा. अभी तो फिलहाल मेरा कंप्यूटर का कोर्स से क्लास है, अकाउंटिंग का कोर्स सीख रहा हूँ, तो उस क्लास में अभी जाना है मुझे, ठीक है. वो क्लास कहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है. तो लेट्स कंटिन्यू. तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी देखा है कि बारिश आने वाला है, देखिए बारिश आने वाला है. लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, देखिए यहाँ पे धूप भी आया निकला हुआ है, क्या कहें, बारिश आएगा. तो मुझे तो लगता है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से मुझे जो कह रहा है गूगल वेदर में मैंने सर्च किया तो धूप आएगा बोल रहा है. देखते धूप आता है कि बारिश आता है. धीरे धीरे अभी बूंदे भी गिर रहा है बारिश के. कुछ देर पहले बारिश के बूंदे भी गिरा था. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो फ्रेंड, जैसे मैं बताया कि मैं अभी कंप्यूटर क्लास में जा रहा हूँ. मेरा कोर्स जो चल रहा है उसकी वजह से फाइनेंस के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है. तो कैसे तो भाई, जैसे हमने बताया था कि हम अब तक कंप्यूटर क्लास के बाहर कर रहे हैं. सर अभी तक नहीं आए, सेंटर अभी तक बंद है. सर आ जाएंगे, सर आते आते सर लेट हो सकते हैं. अभी तक 9:10 बजे, 9:10 बजे, 9:30 बजे तक सर आते आते. हम अभी अपने क्लासमेट्स के लिए वेट कर रहे हैं, थोड़े आगे जाके घूम के भी आते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है. तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे एक नया जगह पे आ गया. नया जगह नहीं, अपना पहला पुल का ही जगह है. ये देखिए हम लोग का स्टेडियम बन रहा है. ये ऑन वर्किंग मोड पे है, अभी भी बन रहा है. अंदर जाके किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. और ये हमारा पहला पुल का एक प्रिंटिंग प्रेस है, इसका नाम सनलिट प्रेस है. आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्लापुर लखीमपुर हम लोग का इलाका का, हम लोग का सब डिविजन का जितना भी सारा प्रिंट प्रेस का काम होता है यही होता है, ठीक है. और आगे चल के थोड़ा दिखाते हैं आपको. ये देखिए टी गार्डन. ये टी गार्डन को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे. टी गार्डन बहुत बड़ा टी गार्डन है, ये काफ़ी दूर तक जाता है. इस तरफ से अगर ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है. ये रोड जो इसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लाबोक कहते हैं इसको, लाबोक. ये कोई टी गार्डन लगा है, ठीक है. तो ये टी गार्डन इलाका को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे. आप देख सकते हो ये स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, ये बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे है. तो इसको हम बाद में रिवील करेंगे जगह को, ठीक है. अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं. हाय गाइस, ये देखिए मैं अभी कंप्यूटर क्लास में बैठा हूँ.
और ये हमारा मुश्ताक भाई है, ये हमारा टेली एक्सपर्ट है। देखिए वो टेली कर रहे हैं कंप्यूटर पे टेली कर रहे हैं। अभी ये फ्यूचर का हम लोग बड़े बड़े कंपनियों के हिसाब किताब देखेंगे, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, ये इनका इनको टिकटॉक का बहुत बड़ा अकाउंट है, इनको जाके फॉलो कीजिए, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है? और ये रहा हमारा विनय भाई, हाय हमारा गाइस, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। प्रोग्राम करते करते देखिए विजुअल बेसिक कर रहा है, क्या कौन सा कर रहा है भगवान जाने, विजुअल बेसिक विजुअल बेसिक कर रहे हैं। और अभी इनका इनका भी बहुत बड़ा टिकटॉक का चैनल है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। प्लीज गाइस मुझे फॉलो करो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जरूर फॉलो करना है, बढ़िया वीडियो बनाते हैं, देखना देखना। हाय गाइस, आप देख ही रहे हो कि मैं सक्सेस की रेडी हूँ। फिलहाल मैं अभी पास के एक शहर में जा रहा हूँ, शहर का नाम बाद में रिवील करूँगा, चलते चलते रिवील करूँगा। सो देन टिल नाउ चलते रहते हैं, ठीक है? भाई साहब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट साइड चल रहा है, गाड़ी के लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आ रहा है। देखते हैं गाड़ी कब तक आते हैं, चल जल लगे रहिए। और एक बात, मैं एक बात बता रहे हैं, हम पैसेंजर बस से ट्रेवल कर रहे हैं, आप हमारे लोकेशन पे, ठीक है? पैसेंजर बस मतलब थोड़ा किचमिच तो हो सकता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। गाड़ी चलते चलते कितने एडजस्ट करके बैठना पड़ रहा है, लास्ट सीट तो मेरा सीट, और कुछ कर नहीं सकते। इस जो टाइम का ये टाइम ट्रेवलिंग के लिए बहुत खराब है, इस टाइम पे हमको पैसेंजर गाड़ी जो नहीं मिलता, पैसेंजर वगैरह मिलना बहुत टफ होता है, ठीक है? तो आप लगे भाई लोग, अपना लोकेशन पे तो पहुंच गए, गली में ये अपना नाइटिंगेल हॉस्पिटल का ऑपोजिट साइड का गली है, तो इसी गली में हम आ गए। तो हम अपना हमारा मौसिया घर में आए हैं, तो मौसिया घर में उनका नया घर बनाया है, तो उनका नया घर का पूजा है, तो पूजा में हम आए, तो हम चलते हैं पूजा की तरफ। क्यों सही कहा ना, आगे आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। इसी गली में और एक बड़ा सा स्कूल भी है, मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा, स्कूल का नाम है सेंट थॉमस स्कूल है, आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आ गया हूँ सेंट थॉमस स्कूल के सामने, दिख रहा है उल्टा दिख रहा होगा, कुछ करने से सेंट थॉमस स्कूल यहीं पे है। देखिए इसका अंदर है, ये हॉस्टल है वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है? तो कंटिन्यू करते आगे का वीडियो को, आपको लग रही है गाइस ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, और ज़्यादा लंबा किया तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। आपको तो मालूम है जियो का डाटा लिमिट कितना होता है, 1.5 GB होता है, 1.5 GB, तो इसके लिए वीडियो इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।